है बड़ी, चेहरा है मासूम, आवाज है बेमिसाल। वो है द वेरी टैलेंटेड सिंगर मनी। मनी आज सबके दिलों में अपनी आवाज से राज कर रहे हैं। मनी भले ही सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 जीत ना पाए हों, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और हौसला है तो गरीबी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मनी सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, चाहे वो जजेस हों चाहे वो ऑडियंस, और इस शो में आने वाले स्पेशल गेस्ट भी मनी को बहुत ज्यादा पसंद करते रहे हैं। दिल से फूटता है वो वहां से। मैं तो विक्रम से इल्तिजा करूंगा कि इस बच्चे की जिंदगी पे एक हमें फिल्म बनानी चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए माँ ने कहा। जहां हेमा मालिनी ने उन्हें अपने घर बुलाया, वहीं रीमा रॉय ने उन्हें पूरा मुंबई घुमाया। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है कि इतने बड़े बड़े समुद्री जहाज में हम घूमेंगे। इतना बड़ा है, मेरे गाँव से भी बड़ा है ये समुद्र। आज रीना मैम की वजह से मुझे इनमें घूमने का मौका मिला है, और उससे भी ज्यादा खुशी वाली ये बात है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आया हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो सबके इतने ज्यादा फेवरेट थे तो उन्होंने ये शो जीता क्यों नहीं? आखिर वो ये शो क्यों हार गए? इवन उनको फर्स्ट रनर अप का भी अवार्ड नहीं मिला। तो चलिए, आपके सवालों के जवाब लेकर आज मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए मनी के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। बड़ा सिंगर बनूंगा और मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा उनके लिए, और हमारे घर की गरीबी दूर करूंगा। मनी एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके मम्मी पापा दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। मनी की मम्मी जहां सिलाई करती हैं, वहीं उनके पापा छोटा मोटा काम करते हैं। मनी इस टाइम मात्र 11 साल के हैं और ये पंजाब के धर्मकोट से बिलोंग करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनी ने कहीं भी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा गाते हैं। अगर मनी की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और इनकी एक छोटी बहन है। मनी अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से कर रहे हैं। मनी जब सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 का ऑडिशन देने आए थे तो उन्होंने अपनी आवाज़ से सारी जजेस का दिल तो जीत ही लिया था। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि इस ऑडिशन को देने के लिए अपनी माँ के हाथों की सिली हुई शर्ट पहनकर आए हैं, तो अलका जी बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम पूरे सीजन अपनी माँ की सिली हुई शर्ट ही पहनना, और ऐसा हुआ भी। अब तुम ट्रॉफी की तरफ जा रहे हो तो इतना याद रखो, पूरे आपका जो पूरा सफर है सुपरस्टार सिंगर का, तुम सिर्फ मम्मा की बनाई हुई शर्ट पहनोगे। मनी ने मात्र 11 साल की उम्र में बिना सिंगिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बिना सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में इतनी बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि हर कोई उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाता था कि वो इतनी छोटी उम्र में कितना बेहतरीन गाते हैं। लेकिन अब ये बात उठती है कि उन्होंने ये सीजन क्यों नहीं जीता। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देती हूँ, वो भी बिल्कुल सच। मोहम्मद फैज ने इस शो को क्यों जीता, उससे पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि मोहम्मद फैज ने 2018 में लम्मी इंडिया किड्स सिंगिंग रियलिटी शो, 2019 में सारे गामा पा सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जहां वो फर्स्ट रनर अप थे। वो शो उन्होंने नहीं जीता था, लेकिन वो फर्स्ट रनर अप थे। और लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद फैज की सिंगिंग थोड़ी सी मेच्योर है मनी से, और मोहम्मद फैज की सिंगिंग की एक छोटी सी क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कभी तेरा जाना हुआ, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर वोटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद फैज की वोट्स मनी से ज्यादा थे। भले ही आज मनी ये शो जीत ना पाए हों, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट और हौसला हो तो गरीबी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और रही बात ये कि इस बार इस शो के फर्स्ट और सेकंड रनर अप क्यों नहीं डिक्लेयर किए गए, तो मैं आपको बता दूं, मनी और मोहम्मद फैज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था वोट का, जिसके कारण इस बार फर्स्ट और सेकंड रनर अप नहीं अनाउंस किए गए। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा शेयर। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को क्या नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल बेस्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं,
तो ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियो के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।